मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मौसम ऊपर से आप बैठे हुए हैं धूप के नीचे, मैं तो गर्म इलाके क्या हूँ, मुझे इतना असर नहीं हो रहा, लेकिन मेरे जो क्वेटा के साथी वो महसूस कर रहे हैं कि धूप उनके सरों पर हावी है इस वक्त, वो आई कैन मेक दैट आउट। मैं बात मुख्तसर करूँगा कि जल्दी से निपटाता जाऊँ चीज़ें। पहला है आपका मुलाजमीन के लिए ज़मीन अलाटमेंट, जैसे दूसरे सब अपनी कॉलोनीज बनाते हैं आपके लिए भी बननी चाहिए। इस पर काफ़ी पेशरफ्त हो गई है और वो कहते हैं जी आखिरी धक्का आपने देना है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहना है। वो कहा हुआ है, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी मुलाकात है इंशाल्लाह, उसमें फिर इसको परसू करेंगे और मैं इस सीनियर के दौरान इंशाल्लाह ये करा के जाऊंगा। ये बाबर साहब को भी मैं अलर्ट कर रहा हूँ, उम्र में छोटे हैं, मेरे से झिड़कियाँ भी खाएंगे, लेकिन ये कराना है हमने। नंबर वन, आपके जो होते हैं एहलकार वफात कर जाते हैं और एमरजेंसी में घर में कोई घर चलाने वाला कोई नहीं होता, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसका सेक्रेटरी असेंबली सुन रहे हैं मेरे साथ बैठ के, एक रास्ता बनाएंगे कि एमरजेंसी में उनको कंटिंजेंसी में कोई ज़रिया उनका मौज चलता रहे, क्योंकि वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो लंबा काम है। उस बाबर वो आपको कानून लाना पड़ेगा, ये हमारे वज़रा साहिबान काबीना के अरकान बैठे हैं, वो कानून लाएंगे कि जो फौत हो जाए मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस, उसके किसी वारिस को फौरन सर्विस दी जाए, बालिग वारिस। ये आपको असेंबली में कानून लाना होगा, जब तक कानून लाएं हमारी असेंबली वाले पीएसडीपी से फारिग हों तो असेंबली में कानून आएगा, तो उसमें इन्हीं की सिफारिशें होंगी, यही सिफारिश करने वाले काम करने वाले, तो फिर हमारे ये सारे बलूचिस्तान के लिए कराएंगे, सारे बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये मसला हो रहा है। नसीर जान आप पार्लियामेंट्री लीडर हैं अपनी पार्टी के, ये आपके जिम्मे काम कर रहा हूँ, तो ये आपको पीछे कराना पड़ेगा फॉर होल ऑफ बलूचिस्तान, सिर्फ असम्बली के लिए नहीं, मैं सारे बलूचिस्तान के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये कराना पड़ेगा आपको। लेकिन हम अपना जरिया करते रहेंगे, ताहिर शाह हम लोग सरदार बाबर, हम कोई ऐसा जरिया करेंगे कि मौशी तौर पर बिल्कुल बेहाल ना हो जाए वो घराना जहाँ फौतगी हो गई। ज़ियारत में असेंबली हाउस, स्पीकर हाउस मुझे पसंद नहीं है, असेंबली हाउस, असेंबली हाउस ज़ियारत में, वहाँ मैंने उस दिन भी डीसी से बात की है, वो ज़मीन तो मुतला करेगा, नासिर है मेरे ख्याल, हबीब नासिर है उधर, उसको कहें जल्दी हमें रिपोर्ट दे कि हम फिर सीएम से पैसे निकलवाएं कि हमें दे दें, हम एक असेंबली हाउस बनवाएं जिसमें सूट्स हों, ठीक है स्पीकर भी रह सके, डिप्टी स्पीकर भी रह सके विद फैमिली, हमारे एमपीएस के लिए भी जगह हो, हमारे एहलकारों के लिए भी लाजमी जगह हो, ऐसे नहीं हम अपनी ज़ियारत की मौसमी हवा खाने के लिए भूल जाए एहलकारों को, बहुत दफ़ा ये होता है हम भूल जाते अपने निचले अफसरों को, तो लाजमी है उनके साथ, इस पर काम हो रहा है। लेकिन आपको ये एहसास है कि पाकिस्तान में बड़ा स्लो तरीके से काम होता है लेकिन सॉलिड काम होता है। डिस्पेंसरी आपकी इम्प्रूव कर गई है, मेल डॉक्टर और फीमेल लेडी डॉक्टर तो आ गए हैं आपके पास, एम्बुलेंस की भी शिकायत थी, अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि लॉजेस में एमपीए रह रहे हैं, खुदा ना खासा एमपीए को कुछ तकलीफ़ हो गई तो वो वजनदार शख्सियत है तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा था एहसान शाह साहब का कि वो आएंगे इस फंक्शन में कि उनको इधर ही मैं पकड़ लूँ, तो ये अपना सरदार बाबर ये उनका उसमें इम्प्रूव करना है एम्बुलेंस सर्विसेज। और अभी शिकायत आ रही थी कि दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ बहुत कम हैं, वो ज़रा उस पर के ध्यान देंगे तो मेरे से जो है सपोर्ट होगी मैं आपको कर दूँगा, इन चीज़ों पर रुकना नहीं चाहिए। मैं हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं,
तो मेरी वज़रा साहिबान से गुजारिश है, काश होते इधर एहसान शाह साहब और MPA साहिबान से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो आप बिस्मिल्लाह हेल्थ कार्ड की असेंबली के मुलाजमीन से करें। 400 से थोड़ा ऊपर मुलाजमीन है, इनको करें, ट्राई करें कि ये धक्के ना खाएं, जाके अस्पतालों के धक्के ना खाएं, पैसे इनकी जेब में ना हो। हेल्थ कार्ड तो होना कि दवाई भी ख़रीद सके, एमरजेंसी में सर्जरी भी कर ही सके। अगर आज एक अपेंडिक्स की सर्जरी की वजह से मरीज़ की हालत गैर हो जाती है, जैसे ज़फ़र के फैमिली की हुई है, तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये बहुत खौफनाक बात है, अच्छा मज़ा नहीं आ रहा मुझे सुनते हुए। और सारे डॉक्टर्स भी अपने बलूचिस्तान के लोग हैं, सब हमारे माशरे के लोग हैं, उनमें तो बलूचिस्तान का मशहूर है कि इधर इंसान की कदर है, इंसान के बारे में एहसास है, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। AG ऑफिस, यार AG ऑफिस ने कोई नेकी की हुई है बलूचिस्तान में, तो फिर आपने साहब नेकी करा लो। अगर आप नेकी कराना चाहते हैं इधर ही अपनी असम्बली में, तो वो मैं सिफारिश कर दूँगा। फिर नेकी रुक जाएगी, फिर वो कहेंगे ये क्या बेबरकत हो जाएंगे मामला, फिर आपकी मर्ज़ी। AG ऑफिस बहुत चीज़ों से की वजह से मशहूर है, आपकी मर्ज़ी। कहते हैं तो मैं अभी भी वो सिफारिश कर दूंगा जी, AG ऑफिस इधर खोल दें, ज़फ़र अपना मिसाल TADA क्लेम ले जाएगा। ज़फ़र को कहेंगे इधर सामने टेबल पर बात मत करो, पिछले कमरे में आके बात करो। तो फ़ायदा क्या फिर, सोच लें इस बात पर, अपने भलाई की सोचें आप लोग। ये कुछ ज़रूरी बातें थी, अभी गर्मी में आपको नहीं रखना। ज़फ़र आप अपनी मेहनत करें, आपके ज़िम्मेदार जो अहदेदार हैं वो मेहनत करें, और हमारे लिए ये दुआ करें कि हमारे में इंसानियत हो, कि हम आपकी खिदमत कर सकें, ये दुआ करें। हम राय रात मोहम्मद ख़ान किधर जा रहे हो जल्दी में, धूप लग गई है हाँ। अच्छा अच्छा, चल चाय पी के जाओगे ना यार, पहले बेचारे एक दफ़ा एक प्याली चाय तो हमारे अहदेदारों की भी पी लो। तो बहुत मेहरबानी, आपकी खिदमत करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगियों में आसानी लाते रहेंगे जब तक ज़िम्मेदारी है, और जिस नौ हैसियत में भी होंगे वो इज़्ज़त का रिश्ता कायम और दायम रहेगा, चाहे आप छोटे अहलकार हों, MPA हों, बड़े हों, ये हो। बहुत मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद।